और कंपैरिजन का बेसिस क्या है, इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, तो NAND के लिए जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इस तरह से है, दिस इज योर एसी सप्लाई, और एसी सप्लाई में ये जो दो इनपुट्स हैं ए और बी वो इस तरह से हो गए, और ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, हियर इट इज ए एंड हियर इट इज बी, और इसके साथ एक बल्ब ये जुड़ गया बल्ब, और ये बल्ब के वजह से ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो देखिए बल्ब बताने का सेंस क्या है कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है आर बी, बल्ब का रेजिस्टेंस, ये बल्ब का रेजिस्टेंस जो है, ये जो रेजिस्टेंस स्मॉल आर के तुलना में बहुत ज्यादा, कंसीडरिंग दैट आर बी बल्ब का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज द स्मॉल रेजिस्टेंस। और जो नॉर के लिए होगा, नॉर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो देख लीजिए, ये आपका एसी सप्लाई है, और एसी सप्लाई के बाद से ये आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इट यहां पर ए और बी को हम कहते हैं स्विच, दीज आर टू स्विचेस, और ये एक बल्ब हो गया, ये एक बल्ब हो गया। अब देखिए ए और बी, ए और बी जब ऑन होगा माने क्लोज्ड होगा, तो ये रेजिस्टेंस है ना स्मॉल आर, कि ये पाथ जो है, ये पाथ होगा वो आसान पाथ हो जाएगा। व्हेन व्हेन ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू वन, हम सीधे चौथे केस में आ रहे हैं, ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू वन, तो जो ये पाथ होगा करंट का ये आसान होगा, तो आर इज लेस, और ये पाथ जो है वो ज्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस, तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसमें दिस ट्रुथ टेबल में जो सी डैश है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो नैंड गेट में जीरो कब होता है, नैंड गेट में जीरो तब होगा जब बोथ इनपुट्स आर वन, बोथ इनपुट जब वन होगा तो नैंड गेट में जीरो होगा, और एक भी इन जीरो, ए जीरो और बी जीरो माने दोनों ओपन सर्किट है, यदि दोनों ओपन सर्किट है तो ये जो सर्किट है ये ओपन है, तो पूरा का पूरा करंट यहां से होके जाएगा। तो केस नंबर वन, केस टू और केस थ्री में करंट बल्ब से होके जाता है, करंट बल्ब से होता है, इसलिए केस वन टू थ्री में सी डैश का मान वन 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 होगा, और केस फोर में करंट बल्ब से होके नहीं जाता है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करता, एंड देन सी डैश इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय करंट शॉर्टेड पाथ से होके फ्लो करता है, जो अभी डायग्राम में दिखाया है, इट इज केस फोर, केस फोर। इसी तरह से यहां पे देखिए, यहां पे वही है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन इज स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन आर बी, आर बी क्या है, बल्ब का रेजिस्टेंस, दिस इज द बल्ब, दिस इज योर बल्ब एंड हियर इट इज स्विचेज, माने ए और बी क्या है, यहां पर ए बी क्या है, ए एंड बी क्या है, दीज आर स्विचेज, ये स्विचेज। अब देखिए यहां पर ए स्विच यदि बंद है, ए स्विच बंद है, तो करंट यहां से होकर के ये फ्लो होगा, यहां से करंट ये फ्लो होगा, तो यहां शॉर्टर सर्किट से करंट फ्लो होगा, तो शॉर्टर सर्किट करंट फ्लो होगा, तो यहां से करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो नॉर के केस में केवल पहले केस में वन होगा,
और बाकी में सब जीरो हो जाएगा, सी डैश, सी डैश का मान। तो पहले केस में वन क्यों हो रहा है, क्योंकि ए ऑफ है और बी ऑफ है, तो करेंट इस सर्किट से नहीं जाता है। केस वन में व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, माने दोनों ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच है मतलब ये शॉर्टर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कहाँ फ्लो होगा, बल्ब से, तो बल्ब ग्लो होगा और सी डैश का मान वन होगा। रेस्ट ऑफ द केस में सी का मान, सी डैश का मान क्या है, जीरो, माने बल्ब से करंट नहीं, तो ए ए जीरो बी वन, बी वन का मतलब हुआ कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो इसका मतलब सर करंट ये इधर से फ्लो हो रहा। दूसरा केस में ए वन और बी जीरो, तो ये वन क्लोज हो गया तो सर्किट यहां से करंट होकर के ये फ्लो होगी, ठीक है, तो ये करंट फ्लो होगा इनर सर्किट से, तो आउटर सर्किट में करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों ऑन है, दोनों क्लोज है तो और अच्छा है, फिर इनर सर्किट, ये इनर हो गया और ये हो गया आउटर, तो इनर सर्किट में करंट फ्लो होगा, आउटर में करंट फ्लो नहीं हो गया तो बल्ब का जलना नहीं होगा। तो ये आपका हो गया, दिस इज योर सी डैश, तो सी डैश और सी के बीच का ये अंतर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर। अब आते हैं, दीज आर द थर्ड पॉइंट इन बोथ द केसेस। फोर्थ पॉइंट है, इट इज बुलियन, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है कि y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ये नैंड का आउटपुट है, नैंड का आउटपुट इज इक्वल टू दिस, या वेन डायग्राम में हम कहते हैं a इंटरसेक्शन b, ये एंड हो गया और इसका बार ये वेन डायग्राम हो गया, है ना। इसी तरह से बुलियन में नार का क्या है, दिस इज y, फोर्थ पॉइंट इज बुलियन, बुलियन में दिस इज ए प्लस बी, ये आर हो गया और इसके कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये आपका ओवर हो गया। वेन डायग्राम में क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का बार, ए यूनियन बी का बार हो गया, तो ये आपका नॉर्थ के लिए हो जाएगा। तो ये चार पॉइंट्स जो हैं, दीज आर द फोर पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज इन केस ऑफ रियलाइजेशन। तो अब नेक्स्ट में हम चल रहे हैं रियलाइजेशन ऑफ द गेट्स। This is realization of gates. Gate का कैसे realize करें? तो first हम part ले रहे हैं AND के, अरे sorry NAND के, NAND gates को लेकर के हम कैसे realize करेंगे? तो NAND gate को लेकर के पहला realization क्या है? AND बनाना है। AND from NAND, ठीक है? AND from NAND. तो एंड फ्रॉम नैंड का मतलब कि हमारे पास y इज इक्वल टू ए डॉट बी है, ए डॉट बी है किसके लिए, एंड में, और नैंड में क्या है, नैंड में y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार है, ठीक है, ए डॉट बी का बार है। तो इसका मतलब कि यदि हम जानते हैं बूलियन से, बूलियन क्या कहता है, बूलियन अलजेब्रा में ए डॉट बी का बार है और इसका भी बार कर दिया जाए, इसका भी बार कर दिया, डबल इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो गया, दिस इज ए डॉट बी, है ना, दिस इज योर डबल इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि ये एक दो इनपुट है और ये एक नैंड है, ठीक है, ये नैंड,
और ये जो आउटपुट है इसको फिर से एक नैंड में डाल दें, एक नैंड में डाल दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज ए एंड हियर इट इज बी, तो ये पॉइंट पे हो जाएगा ए डॉट बी का बार, नैंड हो गया, दिस इज नैंड, और नैंड क्या करेंगे तो ए डॉट बी बार ये इसका होल बार हो जाएगा, होल बार, तो होल बार इज इक्वल टू हाउ मच ए डॉट बी, ठीक है। तो दिस सर्किट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड गेट, किससे एंड गेट है, नैंड से मिलके एंड हो गया। दूसरा हमको निकालना है आर, दूसरा पॉइंट क्या है, आर निकालना है, तो आर कैसे होगा, यू सी देयर इज ए नैंड गेट, और नैंड गेट का आउटपुट है, द आउटपुट इज ए इंटू बी, ये आउटपुट ए इंटू बी है, कब है, यहां पर ए हो और यहां पर बी, ए और बी, यदि ए बी के पहले हम एक नॉट लगा दें, ए और बी के पहले माने एंड नैंड गेट आने से पहले यदि नॉट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा बी बार, और ये क्या हो जाएगा ए बार, तो ए बार बी बार यदि इनपुट के रूप में लें किसका, नैंड के, तो नैंड के क्या होगा, ये जो भी होगा उसका ये बार कर देगा, है ना, और नैंड क्या कहता है, नैंड इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ए बार इंटू बी बार, ये तो एंड का हो गया, ऊपर से बार हो गया तो नैंड का, अब ये बार का मतलब क्या हो गया, बार है तो कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और डॉट है, डॉट मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्लस, और ये हो गया बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ए बार का, ए डबल बार का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए, और बी डबल बार का क्या हो जाएगा प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो गया, दिस इज योर आर, तो हम आर गेट को बना सकते हैं किसके थ्रू, नैंड से, तो ये दूसरा रियलाइजेशन हो गया। तीसरा रियलाइजेशन हमें लेना है नॉर, नॉर नॉर का चाहिए, तो नॉर में क्या है, आर बन गया, आर के बाद एक नॉट लगा दें तो नॉर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, आर पहले बना लेते हैं, दिस इज ए दिस इज बी, ये ए हो गया ये बी हो गया, और नॉर के लिए क्या है, एक यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो ये क्या होगा ए बार हो गया और ये बी बार हो गया, और ये क्या कर दिया, ये दोनों के नैंड के ऊपर लगा दिया, तो नैंड ने क्या दे दिया, यहाँ इतना करने के बाद ये वाई क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, है ना, ए प्लस बी, और इसके बाद हम क्या लगा दें, एक और नैंड गेट लगा दें सिंगल इनपुट का, तो यहाँ पे जो मिलेगा दिस इज वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी इनपुट में आया है उसका वो बार कर देगा, तो दिस इज योर नॉर गेट, तो दिस इज द थर्ड गेट दैट वी हैव रियलाइज, एंड फोर्थ गेट क्या है, नॉट फ्रॉम नैंड, तो नॉट फ्रॉम नैंड का मतलब तो बिल्कुल सिंपल है कि यदि हम एक इनपुट दे दें ए और ये नॉट हो गया तो ये क्या होगा, इनपुट का बार हो गया, तो इटसेल्फ नैंड जो है इटसेल्फ वर्क एज ए नॉट गेट फॉर वन इनपुट, है ना। कभी कभी इसी चीज को एक दूसरे तरीके से लगा देते हैं कि ये हो गया दिस इज सिंगल और ये इसी से एक गेट और कर दिए, तो इसका मतलब भी यही हुआ, ए बार दिस इज योर ए बार, है ना, ए मल्टीप्लाई ए, इसको कहें अल्जेब्रिकली यदि हम कहें तो ये ए मल्टीप्लाई ए का बार हो गया, तो ए मल्टीप्लाई ए इज ए, ए इज ए और ए का बार ये हो जाएगा,
तो जो चार गेट हमने अभी तक पढ़ा वो चारों गेट का रियलाइज हम इस तरीके से कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट। अब हमें रियलाइजेशन में आना है, वी हैव टू फाइंड द रियलाइजेशन ऑफ गेट्स यूजिंग नॉर गेट। अभी तक क्या किए थे, नैंड गेट से हमने रियलाइज किया, तो पहले हम चाहते हैं एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट, है ना। नॉर गेट के द्वारा हम चाह रहे हैं कि एंड गेट बना दें, तो ठीक है। हमें क्या चाहिए कि मान लीजिए ये है ए इनपुट और ये इनपुट बी, ये इनपुट में एक नॉर लगा दो, ये नॉर लग गया, यहां पर एक नॉर लगा दें एक, तो ये क्या हो जाएगा ए बार और ये क्या होगा बी बार। अब ये दोनों को हम एक तीसरे नॉर गेट से लगा दें, तो तीसरे नॉर गेट में क्या होगा ए बार प्लस बी बार का होल बार तो ये क्या होगा, दिस पार्ट इज ए बार का डबल और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड इज मल्टीप्लीकेशन और ये बी बार, तो ए डबल बार का ए इंटू बी डबल बार का बी एंड दिस इज योर एंड, तो वी हैव दिस इज एंड, है ना। तो नॉर से एंड मिल गया पहला। दूसरा पॉइंट है कि और गेट हम प्राप्त करें किससे, फ्रॉम नॉर से, तो इसके लिए एक और दो, दो इनपुट हो गया ए बी, सपोज दिस इज ए दिस इज बी और ये हमने नॉर लगा दिया, तो क्या मिल गया ए प्लस बी का होल बार मिल गया, और यही इनपुट एक दूसरे नॉर में दे दें तो क्या मिल जाएगा, दिस इज ए प्लस बी बार का होल बार तो ए प्लस बी बार का होल बार मतलब क्या होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इज आर। तीसरा है नॉर, नॉर से नॉर को नैंड, हमको नॉर से नैंड को रियलाइज करना है, तो नॉर से नैंड को रियलाइज करने के लिए एंड है, एंड हमको मिल गया, एंड के बाद क्या कर दे एक और नॉर लगा दे, तो दिस इज ए, ये हो गया नॉर वन, ये हो गया नॉर ए और बी और इसको हमने यहां पे डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज ए इंटू बी, ये एंड हो गया और ये सिंगल, फिर ले आकर के इसको यहां लगा दिया, तो ये क्या होगा ए डॉट बी का बार, तो दिस इज योर नैंड। अब लास्ट में एक बचा है एंड दैट इज कॉल्ड नॉट, तो नॉट भी वैसे ही सिंगल इनपुट है ए, ए को नॉर में लगा दिया तो क्या हो जाएगा दिस इज ए बार, दिस इज योर ए, ए को लगा दिया तो ए बार हो जाएगा, या जैसे नैंड में किया कि ये और ये दो ऐसे लगा दें दिस इज योर ए, तो क्या होगा ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए इज ए एंड दैट इज बार। तो इस तरह से हमारे पास रियलाइजेशन हो गया किसका, एंड का, आर का, नॉर का, नैंड का और नॉट का, किसके थ्रू हो गया ये नॉर के थ्रू। तो इस तरह से वी हैव completed the realization of AND gate, OR gate, NAND gate, NOT gate from NOR, और इसके पहले हमने रियलाइज किया था कि NAND gate के थ्रू AND, OR, NOR, NOT, तो इस तरह से ये जो गेट्स हो गए ये गेट्स के थ्रू हमने एक रियलाइजेशन इसको कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है
वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि कितने गेट्स की यूज पड़ता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि टू रियलाइज, है ना, टू रियलाइज गेट्स और नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट, कितने यूनिवर्सल गेट का मतलब नैंड और नॉट, दो यूनिवर्सल गेट की संख्या नंबर कितनी होगी। यदि यदि हमें नॉट लेना है, नॉट नॉट गेट को प्राप्त करना है तो हमको एक गेट की जरूरत है यूनिवर्सल के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि हमें आर का प्राप्त करना है तो चाहे वो एंड हो, चाहे नॉर हो, चाहे नैंड हो, वो हमें दो गेट की जरूरत है। और यदि हमें एंड का प्राप्त करना है तो हमको तीन यूनिवर्सल गेट की जरूरत पड़ेगी। और यदि हमें नॉर चाहिए या नैंड चाहिए, है ना, नॉर किसके थ्रू, नैंड के थ्रू, तो फोर नैंड गेट चाहिए किसके लिए, नॉर के लिए। और नैंड गेट यदि प्राप्त करना है तो नॉर गेट से प्राप्त करना है तो चार नैंड गेट होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कितने गेट्स की जरूरत है हमको प्राप्त करने के लिए। एंड दिस इज दी नंबर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सल गेट दैट वी हैव टू डिस्कस इन योर क्लास।